अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ सामईन नाज़रीन हाज़रीन को मालूमाती फोरम और इलम की बात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की मालूमाती अलर्ट आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारा टॉपिक, वो ये है कि कुरान पाक का जो सजदा नंबर 13 है वो किस बारे में है, कौन सी सूरत नंबर है और उसकी कौन सी आयत है। तो बिला तखीर चलते हैं आज की इस मालूमात की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि कुरान पाक में सजदा नंबर 13, पारा नंबर 30, सूरत नंबर 84 और आयत नंबर 21 के मुकाम पर है। नाज़रीन, सामईन, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त अहबाब वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों। और साथ ही जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।